गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं शुगर। मधुमेह एक ऐसी समस्या बन गई है इस समय के दौर में कि क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चे, हर किसी को किसी ना किसी तरीके से इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। शुगर एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी, कम हो जाए तो भी परेशानी, उन दोनों ही कारणों की वजह से पूरा शरीर जर्जर होने लगता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर शुगर किस तरीके की बीमारी है और शुगर में के कारण क्या क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। देखिए, नॉर्मल आदमी की शुगर 90 होती है बिना खाए पिए जी, खाना खाने के बाद 140 तक जाती है, ये है नॉर्मल शुगर का लेवल। शुगर होने का मेन कारण है आपके लीवर की खराबी। जब लीवर पूरा पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, आपका खाया पिया जाके आंतों के अंदर सड़ता है, सड़ करके फिर आपका पेट पूरा साफ नहीं होता, फिर इससे कई रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। सबसे बड़ा कारण है लीवर को खराब करने का ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, बर्गर, पिज्ज़ा, पेप्सी, लिमका, चीनी, ये लीवर के विनाशकारी है। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए, तो शुगर तो दिन दोगुने रात से चौगुने बढ़ेगी। और आजकल हमारे बीच में एक बड़ी गंदी आदत हो गई कि जैसे बच्चा कुछ खाने के काबिल होता है तो हम उसके हाथ में बिस्कुट दे देते हैं, टॉफ़ी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, और ये चीज़ें जाके बच्चे के लीवर पे पचती नहीं है, फिर बच्चे को भी शुगर हो रही है। नेचुरली खान पान तो हर एक भूल ही चुका है। नेचुरली खान पान में किसी किस्म का रोग नहीं है। और दूसरा इसका मेन कारण है आज की ये यूरिया खाद। यूरिया खाद चाहे आपके सब्जी में है, चाहे दालों में है, चाहे अन्न में है, जब इसकी कोई बनी हुई चीज़ पकने के बाद ठंडी होकर दोबारा गर्म की जाए तो उसका रोग दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ता है। और अंदर जाके शरीर में जैसे दीमक लकड़ी को चाट जाती है, ऐसे ये पूरे शरीर को चाटती है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नब्ज में जो चीज़ मिलती है मैं उसको साफ कह देता हूँ, मैं रोकता नहीं है। अब इसकी दवाई शुगर की, जो आप इंसुलिन लेते हैं, वो इंसुलिन आपकी शुगर को ठीक करने की नहीं है, वो पैंक्री से ज़बरदस्ती इंसुलिन बनाती है। अब आपके घर में ही शुगर की एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ आपके चूल्हे चौके में ही है। मेथरे भून करके, अजवाइन भून करके 5-5 ग्राम रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसको पानी से निकाल के चबाते जाएं, पानी को पीते जाएं, शुगर आपकी ऐसे कंट्रोल हो जाए, आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है। परंतु सुबह खाली पेट पानी नहीं पीना। यदि सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो शुगर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, फिर आपको हार्निया भी होगी, बीपी भी होगा और कई रोगों को निमंत्रण मिलेगा। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, उसका तरीका है कि 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया, परंतु खाना ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म, यानी कि खाना बना के ठंडा होकर दोबारा गर्म करके खा ली, कहीं हम तो गर्म खा रहे हैं, वो आपको रोग फैलाएगा, रोग को काटेगा नहीं। अब शुगर बच्चा बूढ़ा जवान मर्द औरत कोई भी है, परे सब के समान है। पानी हमेशा हल्का गर्म, खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना,
अति आवश्यक है, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डाल रखा है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी किस्म की दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। लहसुन प्याज अदरक लीवर से ऐसे काम कराता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डालकर उसको निखार देते हैं, ऐसे लीवर के जितने भी इन्फेक्शन है उसको लहसुन प्याज अदरक गर्म पानी में मिला के साफ कर देता है और लीवर को कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है। लीवर आपका पूरा काम कर रहा है, पैंक्रीन इंसुलिन बना रही है, पित्त में तेजाब नॉर्मल है, गुर्दे आपका पूरा काम कर रहे हैं, आपको कोई रोग नहीं है जी। परंतु इनमें जब थोड़ा बहुत नुक्स पड़ेगा तो आपके पूरे शरीर में पैर के तलवे से सिर के बाल तक कई किस्म के रोग पैदा हो जाएंगे, और जो खुद दवाइयाँ बना सकते हैं, जिसको जड़ी बूटियों की पहचान है, जामुन की गुठली सूखी, सौंठ, बायब्रिंग, हरड़, भेड़ा, आमला, निरगुंडी, ये सात चीज़ें आप कूट के पीस के कप्पड़ छान करके किसी भी शीशी में रख लें। आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, खाना खाने से पहले आप इसका एक चम्मच हल्के गर्म पानी से ले लें, उसके बाद आप खाना खाएं। खाना गर्म गर्म ताज़ा खाना खाना, खाने के साथ भी आपने दो गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है, और खाना खाने में पानी पीने में एक घंटे का समय लगाना। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं, उसके बाद 10 मिनट आप सैर करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं, फिर 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें, अब उठ के आप अपना काम करें, आपके शरीर में इतना परिवर्तन आएगा कि जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके फ्रेश होकर उठे ऐसे आपका शरीर हल्का फुल्का होगा। आप जितना मर्जी काम करें आपको थकावट नहीं होगी, परंतु रात का खाना दिन अस्त होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले खा लेते सोने पे सुहागा, नहीं तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। और खाना खाते समय वही सुबह वाला काम, 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के ताज़ा ताज़ा खाना खाएं, 2-4 ग्राई खाना खाएं, 2 घूंट पानी पिए, 2-4 ग्राई खाना खाएं, 2 घूंट पानी पिए, पानी पीने में खाना खाने में 1 घंटे का समय लगाएं। अब उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं, उसके बाद उठ करके आधा घंटा आप सैर करें, उसके बाद घंटा डेढ़ घंटा आप आराम करें, चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे अपने पराये से बातचीत करें, ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन लोन करना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो बटरफ्लाई, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, 1-1, 2-2 मिनट कर लेते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा जी।